तो अपने हमारी पत्नी शिक्षिका है और वो लोग यहाँ पे एग्ज़ाम कराने के लिए गाड़ी में आ रही है और हम आए हैं 3:30 में यहाँ पे कि चलिए भाई स्कूल का छुट्टी हो गया होगा, हम लोग यहाँ से लेके निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में पता चल रहा है कि वो लोग 3:30 से बैठे हुए हैं, उन लोगों का ना रिलीव ही मिला है और नहीं अभी तक उसका जो पैसा है वो भी मिला है। वो 8 बजे से लेकर के सुबह अभी 6:30 तक हो, 6:30 हो गया है, 6:30 तक उन लोगों का नाश्ता मिला है, अभी तक भूखा है वो लोग। और उसमें 35-36 शिक्षक हैं, उसमें से करीबन 15 से 20 शिक्षक मोतिहारी से जो आई हैं, वो छोटा छोटा बच्चा उनके घर से फ़ोन भी कर रहा है कि मम्मी कहाँ है। लेकिन ये CS को थोड़ा भी नहीं ये लग रहा है कि हाँ हम उनको छोड़ दें या रिलीविंग दे दें, पैसा दूर की बात है, लेकिन ना ये रिलीविंग दे रहे हैं और ना ये पैसा दे रहे हैं, ठीक है, और ये ना छोड़ने की बात कर रहे हैं। जो नाश्ता का भी पैसा मिला है वो भी गबन कर लिए हैं, जो पैसा इनका देना है शिक्षकों को 50-50 रुपया वो भी देने के लिए राज़ी नहीं है, पैसा के गोली मारी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उन लोगों का रिलीविन है वो कल फिर बुला रहे हैं, बताइए 15-30 शिक्षक वो कल फिर रिलीविन लेगी और फिर अपना स्कूल ज्वाइन करेगी। एक दिन में वो अपना कैसे मतलब पूरा ये सफ़र तय करेगी, मोतिहारी से आएगी और रक्सौल से फिर रमड़वा जाएगी, फिर अपना ज्वाइनिंग करेगी, फिर ज्वाइनिंग करके अपना मोतिहारी फिर घर पहुँचेगी। एकदम 3:30 से घिरा हुआ है, हाँ 3:30 में खत्म हो गया था। देखिए कॉलर लगाए हैं तो फिलहाल भी अगर फ़ोन किया है तो नंबर वाला लिखा रहा है तब जब तो मोबाइल पर बंद हो गया है मेरा, एक घर वाला मोबाइल भी है। क्या कारण है? यहाँ पे अभी सीलिंग प्रक्रिया नहीं हुई है, कोजगिरी में भेजने की वजह से जो है विलम्ब हो रहा है। आज कोजगिरी में जैसे ही सामान यहाँ से चला जाएगा उसके बाद से ही लोगों पर पेमेंट की बात होगी और हमारी प्रक्रिया अंतिम चरण में है, रिलीविंग भी तैयार है और पेमेंट के साथ साथ हम लोग को जो है 10 मिनट के अंदर हम छोड़ देंगे। सर कितने देर से लोग बैठे हैं? 3:30 से एग्जाम ओवर हुआ, अभी तक लोग बैठा हुआ है सर? लोगों को तो दिया गया था कल आने के लिए, है ना, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं आज ही हमको चाहिए, तो चूँकि ये अभी सीलिंग प्रक्रिया प्रोसेस में है इसलिए विलम्ब होगा। सीलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामान जब यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा तो मुश्किल से 10 मिनट के अंदर भी नहीं लगेगा इन लोगों को। सर इसमें बहुत सारी महिलाएं मोतिहारी की भी हैं, शिक्षक बहुत सारे शिक्षक मोतिहारी के, उनको जाने में तो दिक्कत बहुत पहले ही कहा गया, छोड़ दिया गया सब कोई जो है। इन लोगों कहा कि नहीं उनको रिलीविंग भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो उसको अरेंजमेंट करने में बैंक जाना पड़ा, बैंक भी बंद था अभी, तो किसी तरह से पैसा की व्यवस्था की गई है। इन लोगों को हम दोनों काम 10 मिनट के अंदर छोड़ दिया जाएगा। अरे आप क्या डिप्टी था, क्या डिप्टी था? हम लोग शिक्षण कार्य के लिए यहाँ आए हुए थे, यह राजा राम साहब इंटर कॉलेज है। हम लोग का एग्जाम माने 3:30 में ख़त्म हो गया, हम लोग रिलीविंग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। CS साहब बोल रहे हैं आधे घंटा इंतजार कीजिए, आधे घंटा इंतजार करते करते इस समय तक हो गया, अंधेरा हो गया। हम रामगढ़वा प्रखंड से हम सारी महिलाएं बैठे हैं, वो सभी दूर दूर से आई हुई हैं, सभी के घर पर भी बाल सभी बच्चे हैं, वो हम लोग इंतजार करते होंगे और टाइम से मैंने समय से मैंने मतलब कि सर छोड़ दिए रहते थे, हम लोग अभी तक घर चले गए रहते और हम लोग को ना रिलीविंग मिल रही है, रिलीविंग मिलेगी तब तो जाएंगे हम लोग और ना पैसे मिल रही है, इसीलिए हम लोग हम लोगों को अभी तक रिलीविंग नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, लास्ट दिन हम लोगों को सब कुछ मिलता है उसके बाद हम लोग जाते हैं और अभी तक वो कह रहे हैं जहाँ जाना है जाइए, जिसको कहना है कहिए, नहीं मिलेगा, खाली रिलीविंग लेना है तो लीजिए, पैसा नहीं मिलेगा, कल आइए। तो कल सब लोग कैसे आएंगे? नहीं आएंगे तो नहीं देंगे। एक सप्ताह में हम लोगों को जितना दिन ड्यूटी किए 2 तारीख से अभी तक ले कभी ना नाश्ता मिला ना कभी हम लोगों को कोई व्यवस्था खाने पीने का रहा। कहाँ जाना है आप लोगों को, दूर जाना है? हम लोगों को आदापुर से आया है, आदापुर जाना है। कितना देर से बैठी हैं आप यहाँ पर? हम लोग काफ़ी देर से, हम लोगों का परीक्षा तो 5 बजे 3:30 में ख़त्म हुआ, उसमें 3:30 से बैठे हैं। राजा राम साहब कॉलेज है, यहाँ हम लोग भिक्षण कार्य के लिए थे, 3:30 बजे तक में हम लोग का ड्यूटी खत्म हो गया है, इसीलिए हम लोग बैठे हुए थे कि पैसा सर दे देंगे और रिलीव भी दे देंगे, हम लोग घर चलेंगे। मैं मोतिहारी से हूँ,
सर अभी अभी मैंने बात किया है सर से तो बोल रहे हैं कि रुकिए आधा घंटा कम से कम आप लोग और रुकिए अभी तब हम कुछ करेंगे आप लोगों से। अभी तक 6:30 हो गया, 3.5 घंटा से बैठी हैं आप जी, अभी और आधा घंटा रुकने के लिए बोल रहे हैं। अभी आधा घंटा और बोल रहे हैं।